दोस्तों, किस तरह से आप व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे थ्री डॉट दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ प्राइवेसी सिक्योरिटी चेंज नंबर, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी है, प्राइवेसी पे क्लिक कीजिएगा। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपका जो नीचे आप कीजिएगा थोड़ा सा सर्कल, तो यहाँ पे फिंगर प्रिंट लॉक, मैंने इसे डिसेबल कर रखा है, अभी मैंने इनेबल करके आपको दिखलाऊंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अभी जो है फिंगरप्रिंट मांगेगा। अब फिंगरप्रिंट टच द फिंगरप्रिंट सेंसर, सेंसर पे जैसे ही रखता हूँ फिंगरप्रिंट, मेरा कंप्लीट हो गया, यानी फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। अब यहाँ पर ही जिस तरह से चाहूँगा उस तरह से लॉक ड्यूरेशन पे सेट कर सकता हूँ, जैसे आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 30 मिनट, या इमिडिएटली, जैसे कि मैंने अभी इमिडिएटली रखा हूँ। तो यहाँ पे जैसे व्हाट्सएप से हटूँगा, या व्हाट्सएप को हटाऊँ, व्हाट्सएप से एग्जिट होंगे, तो ये जो है पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे हट चुका हूँ व्हाट्सएप पे, अब जैसे ही मैंने व्हाट्सएप को खोलूँगा तो इस तरह से फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो फिंगरप्रिंट मांगेगा तो जिस तरह से मैंने लॉक लगाने टाइम दिया था उसी फिंगर को इस्तेमाल करके और इसे दोबारा से ओपन कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।